बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। माइके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अले अब तो लोना बंद कर लो, बहुत हो गया। मुझे मेरे बाप चाचा भाइयों की याद आ रही है। मैं 25 साल उनके साथ रहा हूँ, अब उनको छोड़ के ससुराल जाना पड़ रहा है। देखो जी आप लो मत, वरना आपको देख के ना मुझे भी लोना आ जाएगा। अब आप चुप हो जाओ प्लीज। मुझे 2 दिन बाद मेरे बाप चाचा और भाइयों से मिला तो दोगी ना? अले हाँ हाँ, हम 2 दिन बाद वापिस ठेला डालने तो आएंगे ना, तब मिल लेना। अब चुप हो जाओ। देखो मेरी एक बात थी, लड़की को भी तो एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है ना, तो फिर पता नहीं ससुराल में आगे जाके उसको कच्ची छाछ मिले, कच्चा छछुर मिले, कच्चा जेठ मिले, पता नहीं कैसी जेठानी मिले, ये भी नहीं मालूम उसकी ननद कैसी हो, उसका देवल कैसा हो। एक दिन तो ये होना ही है, तो अब आप चुप हो जाओ। मुझे भी तो पता नहीं आगे जाके कैसे सास ससुर मिलेंगे, कैसे साला साली मिलेंगे। अले अब आप चुप हो जाओ, जब आप घर जाओगे ना तो आपको छछुल के रूप में पिताजी मिलेंगे और छाछ के रूप में माँ मिलेगी और आपको छाले के रूप में भाई मिलेगा और छाली के रूप में साली के रूप में बहन मिलेगी ना। अरे आप भी ना, बहन नहीं छाली। आप ही तो अभी कह रहे थे ससुर के रूप में बाप मिलेगा, माँ के रूप में सासू मिलेगी, देवर के रूप में भाई मिलेगा और साली के रूप में बहन ही तो हुई। अले अच्छे तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा ना, अगर वो आपकी बहन लगेगी तो फिर मैं आपकी क्या लगी? बड़ी बहन। ए लाम पोती किस्मत मेरी। गुलाबो जी नाश्ता रेडी है आपके लिए, गोभी के गर्मा गर्म परौंठे बिल्कुल तैयार है, ले आऊं? परांठे तो आप रहने दो जी, मेरे तो पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक काम करो, पहले ना आप मेरे पैर ही दबा दो। क्यों नहीं गुलाबो जी? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? गुलाबो जी कई दिन से मुझे मेरे माँ बाप की बहुत याद आ रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-3 दिन उनसे मिला हूँ। हाँ जाके अपने माँ बाप के घर मिल आना, अब तो खुश। पर सुनो 2 दिन से ना ज़्यादा मत लगाना, 2 दिन में ही वापिस आ जाना, समझे? हाँ हाँ गुलाबो जी, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा।
गुलाबो जी, एक बात और थी, आपकी इजाजत हो तो कहूँ। हाँ हाँ बोलो। मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे 200-300 रुपए किराए के लिए दे दो। अरे 200-300 क्या, पूरे 500 रुपए ले जाना, खुश? अरे बहुत खुश गुलाबो जी, आपके जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। मटरू जी, तुम्हारे जैसा पति पाकर तो मैं भी धन्य हो गई। तुम्हारे जैसा पति तो भाग्य वाली लड़कियों को मिलता है, पता है तुम्हें ये बात? घर जमाई का यही तो सुख होता है। गुलाबो जी आप एक मिनट रुको, मैं भी आया। स्वामी जय पत्नी देवा, जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई तुमको मनावे, सुख पावे मेवा, जय पत्नी देवा, जय पत्नी देवा, स्वामी जय पत्नी देवा। जीती रहो बेटा। और बहू कैसे हो? बैठो बेटा। मैं तो ठीक हूँ पिताजी, मटरू कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मटरू बिल्कुल ठीक है। पिताजी वो 2 दिन का कह के आए थे और उन्हें पूरे 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए। आपको पता है पूरा घर बिखरा हुआ है, मेरे सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, ऑफिस में मुझे पुराने कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं, घर में ना तो झाड़ू लगा है और ना ही पोछा। हद तो तब होगी जब मुझे 7 दिन तक लगातार होटल से खाना मंगा के खाना पड़ा, और तो उस खाने की वजह से मेरी तबीयत और खराब होगी। हाँ हाँ बेटी मैं सब समझता हूँ, तू उसे आज ही साथ ले जाना, वो अपने गाँव में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए गया, आता ही होगा। ये ले, आ भी गया। रिया, कब आई? मेरे बिना मन लग गया था क्या? नहीं जी, आपकी बहुत याद आती थी। आप 2 दिन का बोल के आए थे और पूरे 7 दिन रुक गए। बेटा मटरू, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे बहू लेने आई है। बापू मैं 10-15 दिन और रुकूंगा। नहीं नहीं जी, हम अभी घर चलेंगे। आपको पता है कौन घर का झाड़ू करेगा, कौन पोछा करेगा, और होटल का खाना खा के तो मेरी तबीयत खराब होगी है। आप एक काम करिए, अंदर जाके जल्दी से तैयार होके आ जाइए, हम अभी चलेंगे। मगर रिया, मेरी वो पैंट कमीज है ना, वो बाजार में बापू ने सिलवाने के लिए दी थी, वो भी नहीं है अभी तक। देखो जी, मैं आपको सरसा से एक रेडीमेड पैंट कमीज दिलवा दूंगी, आप तो बस जल्दी से तैयार होके आ जाइए। ठीक है रिया, मैं तैयार होके आता हूँ। और बहू तुम्हारी सर्विस कैसे चल रही है? पिताजी अभी तक तो मैं डीसी रेट पे थी, पर अगले महीने से बैंक में मैं पक्की हो जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। चलो रिया, मैं तैयार हो गया। ठीक है पिताजी, हम दोनों अब जा रहे हैं। ठीक है बेटा। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं ले
ताजा जा तुझको सुखी संसार मिले।